मैनेजमेंट चैप्टर 2A 2B, तो ये 5 मार्क्स का आएगा, एक और थ्योरी आएगा 5 मार्क्स का, बट टोटल चैप्टर आपका 2A 2B मिला के 10 मार्क्स है, ठीक है, 2A 2B मिला के 10 मार्क्स का है, ये 15 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 + 5 + 5। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम, सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम क्या है, देखिए फॉर्मेट होता है जिसमें आप डिटेल्स अपना सबमिट करते हैं, कितना आपका टोटल इनकम है, कितना टैक्स पेबल है, फॉर्म रिटर्न फाइल करते हैं आप लोग, तो उसमें क्या रहता है, एक फॉर्मेट रहता है, उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि कहाँ से आपका इनकम आया, हाउस प्रॉपर्टी से कितना है, सैलरी से कितना है, कैपिटल गेन से कितना है, बिजनेस प्रोफेशन से कितना है, डिडक्शन से अदर सोर्सेज से कितना है, सब मिला के क्या आता है ग्रॉस टोटल इनकम, कितना आप डिडक्शन क्लेम किए हैं, कितना इनकम, कौन कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट है, तो सब डिटेल सबमिट करते हैं हम लोग इसमें। तो ये जो फॉर्मेट है ये कौन प्रेस्क्राइब करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT। तो बोले फर्स्ट पॉइंट का डाउट है किसी को, सर फिर से बोलिए सर। इनकम क्या एक फॉर्मेट है, जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है ना वही क्या एक फॉर्मेट है जिसको SSC क्या करता है, सबमिट करता है, उसमें उसका टोटल इनकम कितना है, कितना टैक्स पेबल है, सब डिक्लेयर करता है वो, कौन कौन सा हेड है आप देखिएगा ना, आप गूगल में टाइप करिए ITR रिटर्न फॉर्म, फॉर्म 1 2, बहुत सारा फॉर्म है तो आपको आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें एक फॉर्मेट रहता है, उसमें आपको सबमिट करना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है, सैलरी कितना है, हॉस्पिटल कितना है, बिजनेस प्रोफेशन कितना है, कैपिटल गेन कितना है, अदर सोर्सेज कितना है, डिडक्शन कितना क्लेम कर रहे हैं आप, कौन कौन सा इनकम है जो नॉट टैक्सेबल है, सब शो करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो उस फॉर्मेट, वो जो फॉर्मेट है उसको बोलते हैं हम रिटर्न ऑफ इनकम। तो अलग अलग फॉर्मेट है, डिफरेंट SSC फॉर्मेट के, आपका एक ही फॉर्मेट नहीं है सबके लिए, अलग अलग SSC के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, आगे मिलेगा आपको, समझ गए। और ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट प्रेस्क्राइब कौन किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT। बोले कोई डाउट है पॉइंट नंबर वन में, सर जो चेंजेस होता है माने वो भी CBDT करता है कि माने उसका कोई और है? वही तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपका, जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, तो CBDT से कंसर्न करके किया जाता है सब कुछ, जो भी टैक्स में चेंजेज आते हैं ना हर साल, यस जो भी, तो जो भी टैक्स में चेंज होता है सब, यूनियन जो आपका मिनिस्टर है फाइनेंस मिनिस्टर और CBDT सब मिलकर, अकेले का कोई डिसीजन नहीं होता है, समझे। पॉइंट नंबर टू देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट नंबर टू, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि थ्योरी नहीं आएगा आपसे, लेकिन इस टाइप का समझ सकता है कि आपको चार पांच इनकम, चार पांच ये दिया रहेगा और आपको बताना है कि रिटर्न फाइल करना है उसके लिए मैंडेटरी है या नहीं है, सेक्शन कितना है 139(1), समझे। तो सबसे पहले किसके लिए मैंडेटरी, ध्यान दीजिए, इन द फॉलोइंग केसेस द फाइलिंग और रिटर्न इज मैंडेटरी, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 2-3 पॉइंट, बोलेगा बताइए कि मैंडेटरी है या नहीं है। तो किसके लिए मैंडेटरी, देखिए कंपनी के लिए मैंडेटरी है चाहे इनकम कितना भी हो, और फर्म के लिए मैंडेटरी है जो पार्टनर बिजनेस है उसके लिए, और कंपनी के लिए रिटर्न फाइल करना क्या है मैंडेटरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, समझ में आया बात। इंडिविजुअल के लिए मैंडेटरी नहीं है, अभी आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है रिटर्न फाइल करना। अगर आपका इनकम बेसिक लिमिट से कम है, आपका बेसिक लिमिट क्या याद है, 2.5 लाख सर, हेलो, म्यूट करिए जिनके यहाँ से आवाज आ रहा है, देखिए अगर आपका एज क्या है, बिलो 60 ईयर है, एज अगर क्या बताइए, बिलो 60 ईयर है तो मैक्सिमम एग्जिबिशन लिमिट कितना बताइए, 2,50,000 इस साल। और अगर आपका एज 60 ईयर से ज्यादा, मान लीजिए टू लेस देन 80 ईयर, तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर, 3 लाख। अगर आपका एज 80 ईयर एंड ज्यादा है एंड अबव, तो यहाँ कितना आएगा फिर, 5 लाख।
समझ गए। अगर आपका 60 ईयर से ज्यादा बिलो है तो 2,50,000 का एग्जेम्प्ट है, और 60 से ज्यादा 11 ईयर है तो 3,00,000 का एग्जेम्प्ट है। अगर आपका एज 80 ईयर से ज्यादा है, इसको बोलते हैं हम लोग 60 ईयर से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं सीरियस रीजन, और 80 से ज्यादा उसको क्या बोलते हैं हम लोग सुपर सीरियस रीजन, सुपर सीरियस रीजन। तो आपको अगर आपका जो टोटल इनकम है, ग्रॉस इनकम, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका ग्रॉस इनकम मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो पेनल्टी चार्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि मैंडेटरी कंपनी के लिए मैंडेटरी है, फर्म के लिए मैंडेटरी है, चाहे कंपनी और फर्म को प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बाकी सबके लिए क्या है, अगर आपका जो ग्रॉस इनकम है, कौन सी इनकम बताइए, बाकी जितना बचा उसके लिए ग्रॉस इनकम अगर बेसिक लिमिट से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको। समझ गए, जैसे मान लो मिस्टर ये ग्रॉस इनकम है 2,50,000, तो उसके लिए फाइल करना कंपलसरी है, चाहे उसका अगर आपका ग्रॉस इनकम 2,03,00,000 है मान लीजिए, और 1,00,000 का डिडक्शन है, आपका टैक्स इनकम 2,00,000 हो गया। अगर आपका ग्रॉस इनकम 3,00,000 है, डिडक्शन आप क्लेम किया 1,00,000, तो आपका टैक्सेबल इनकम 2,00,000 हो गया। तो टैक्सेबल इनकम आपका बेसिक लिमिट से कम है, लेकिन जो ग्रॉस इनकम है वो बेसिक लिमिट से ज्यादा है, टैक्स आपका जीरो आएगा, क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से कम है तो टैक्स आपका जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो ग्रॉस इनकम है वो 2,50,000 से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, नहीं बोलिए। अगर मान लीजिए तो फर्म के लिए क्या बताइए, पहले फर्म के लिए और कंपनी के लिए क्या बताइए, मैंडेटरी है, ठीक है। अदर के लिए क्या है, तो अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स है, एज अगर मान लीजिए 50 ईयर है, मिस्टर एक्स एज अगर 50 ईयर है, इसका ग्रॉस टोटल इनकम अगर मान लीजिए कितना है 3,00,000 है, और डिडक्शन है मान लीजिए चैप्टर 6A 1,00,000 है, तो टैक्स इनकम कितना बचा बताइए, बोलो 2,00,000। तो बोले मैंडेटरी है, नहीं बताइए, बोलिए हेलो है मैंडेटरी, हाँ तो है, यस क्यों है, क्योंकि आपको बताइए सर ग्रॉस टोटल इनकम 3,00,000 था, तो 250 से ज्यादा है मैक्सिमम से, क्या आपका बताइए, तो इसको देखते हैं हम लोग, किसको देखते हैं ग्रॉस इनकम, सेवा थोड़ा ऊपर करिए ना प्लीज सर, एक बार ये डिडक्शन वाला बताइए ना सर, ये क्या डिडक्शन किस चीज, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं होता है क्या, एटीसी ये सब जो है नहीं है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एटीसी एटीडी, यस सर यस सर, एटीजी जीजी जीजी जीजीसी यू, बहुत सारा सेक्शन था ना डिडक्शन का, यस सर यस, तो जितना डिडक्शन है सब मिला के मान लो 1,00,000 है, तो माइनस करने के बाद 2,00,000 बचा, तो आपका जो रिटर्न है तो कंपलसरी है, क्योंकि एज ग्रॉस टोटल इनकम आपका यहाँ पे क्या है, आपका बताइए एक्सीड्स, रीजन देने बोलेगा आपको तो रीजन दे दीजिएगा, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है, ऑफ रुपीज कितना बताइए यहाँ पे, 2,50,000 से ज्यादा है, 2,50,000 से, अगर आपका ग्रॉस इनकम, अगर आपका ग्रॉस इनकम मैक्सिमम से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, नहीं तो रिटर्न अगर फाइल नहीं करेंगे तो आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, और एक पेनल्टी जो था ना 234F वो भी चार्ज हो जाएगा फिर आपका, समझ गए। और एसएससी फिर क्या करेगा, अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो असेसमेंट ऑफिसर जो है वो अपने जजमेंट से आपका अपने हिसाब से रिटर्न फाइल करेगा, आपका असेसमेंट क्या करेगा, आपका पास कर देगा ऑर्डर,
तो टैक्स आपका लायबिलिटी ज्यादा आ सकता है उस केस में फिर, समझ गए। तो पॉइंट नंबर टू में कोई डाउट है किसी को, बोलिए। हेलो, नहीं भाई एग्जांपल दिखाइए ना। तो जैसे मान लो मिस्टर एक्स है, उसका इनकम 3 लाख है, ग्रॉस इनकम, डिडक्शन 1 लाख है, नेट इनकम कितना है 2 लाख है, तो टैक्स जीरो होगा उसका, टैक्स क्या होगा उसका बताइए, टैक्स क्या है इसका, क्योंकि आपका इनकम क्या है मैक्सिमम से कम, आपका जो इनकम है 2 लाख है तो मैक्सिमम कितना है 250 है, तो उससे कम है तो टैक्स आपका नहीं आएगा, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि आपका ग्रॉस इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, समझे। बोलिए डाउट इसमें। नहीं सर डाउट नहीं है सर, एक बार कॉपी करने दीजिए ना, एक सेकंड सर। करिए कॉपी, आराम से करिए कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। और हर क्लास का वीडियो आपका ऐप में अपलोडेड है, पहले जो भी क्लास हुआ है आज तक, बायोटेक क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, और जो नोट्स है वो भी आपका उसमें अपलोडेड है, आप लोग को जो पीडीएफ अगर आपको नहीं है तो आप वहां से देख सकते हैं। और ऑफिस कल परसों तो खुला हुआ है, मंडे और आज ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे ऑफिस भी खुला हुआ है, ठीक है, अगर आपको कोई नोट्स लेना है तो ऑफिस से जाके ले सकते हैं आप। डन सर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, रिटर्न ऑफ लॉस। तो ये हो गया पॉइंट नंबर टू में, डाउट किसी को बोलिए। तो इस चैप्टर से आएगा, देखिए मतलब इस चैप्टर से क्या थ्योरी क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बोल सकते आप इसको, ये कुछ आंसर निकालने वाला नहीं है आपसे कि आपसे, और आपको क्या बताना है कि इनकम फाइल करना मैंडेटरी है नहीं है, और आगे अभी और भी आएगा वैसा क्वेश्चन इस टाइप का। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ सेक्शन कितना इसका बताइए, 131, 139(1) जो ड्यू डेट के अंदर फाइल करते हैं रिटर्न, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 139(1), समझ गए। जो रिटर्न फाइल करते हैं आप ड्यू डेट के अंदर, विद इन ड्यू डेट, इसको बोलते हैं कितना, रेगुलर असेसमेंट बोलते हैं, रेगुलर असेसमेंट। सेक्शन कितना इसका, 139(1), ठीक है। और एक है देखिए 139(3), रिटर्न ऑफ लॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 139(3). देखिए नॉर्मली क्या आप लोग अभी तक जानते हो कि अगर आपका इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है, कंपनी और फर्म का बात नहीं कर रहे हम, कंपनी और फर्म के लिए मैंडेटरी है, हम इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं या अदर एसएससी का बात कर रहे हैं, तो अभी तक आप लोग को ये सोच रहे हैं कि जिसका लॉस है उसको फाइल करना मैंडेटरी है, बोले पहले अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपका जो टोटल इनकम है 250 से कम है, आपका एज मान लीजिए 50 ईयर है, आपका इनकम 250 से कम है, बहुत कम है, लॉस में चले गए आप, ठीक है, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं पहले बताइए। मैंडेटरी है, अभी तो हम आपको बोले, हम कंपनी और फर्म का बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं, जिसका एज बिलो 50 ईयर है, मान लीजिए बिलो 60 ईयर है, और उसका इनकम बहुत कम है, मान लीजिए उसका इनकम लॉस में चला गया, निगेटिव चला गया, ठीक है, तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं बताइए। नहीं है मैंडेटरी, बोलिए है मैंडेटरी नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो जो लॉस हो रहा है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, समझ में आया, अगर आपको लॉस है तो आपको लॉस शो करना पड़ेगा, तभी उस लॉस को अगले साल सेटअप कर पाएंगे आप, अगर लॉस हो रहा है आप उसको शो नहीं किए तो फिर अगले साल सेटअप कर पाएंगे उसको, आप बोलिए। नो सर। तो ये एक आपका है पॉइंट इसमें कि आप अपने बेनिफिट के लिए रिटर्न फाइल करिए, इनकम टैक्स ऑफिसर आप केस नहीं करेगा इसके लिए अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो, अगर लॉस हो रहा है मान लीजिए आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर आप पे पेनल्टी चार्ज नहीं करेगा आपके ऊपर, समझे, आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, पेनल्टी चार्ज नहीं करेगा आपसे, आप अपने बेनिफिट के लिए रिटर्न फाइल करिए, नहीं तो जो लॉस है आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, जो लॉस है उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपका अगर मान लीजिए लॉस मतलब किसी का जॉब नहीं रहा तो उसका क्या होगा, सैलरी में कभी लॉस नहीं होता पहला बार,
सैलरी में कभी लॉस? नहीं सर, जॉब लॉस हो गया उसका, मतलब जॉब से निकाला गया। जॉब से निकाला गया तो सैलरी सर, तो सैलरी में कभी लॉस होता है? पहले बताइए लॉस किस, आपका जो 5-8 होता है, अगर आपका 5-8 सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है, अगर आपका जॉब से निकाला गया है मान लीजिए, तो सैलरी इनकम आपका जीरो हो गया मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो नेगेटिव तो नहीं होगा ना कभी भी सैलरी में, तो नेगेटिव नहीं होता कभी भी। लॉस किसमें हो सकता है? हाउस प्रॉपर्टी, लॉस किसमें हो सकता है आपका? हाउस प्रॉपर्टी में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, कैपिटल गेन में हो सकता है, हाउस में हो सकता है, रिसोर्सेज में हो सकता है, समझे? सैलरी में कभी लॉस नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता सैलरी, कभी नेगेटिव होता है बोलिए? अगर आप जॉब से निकाल भी दिया जाएगा, साल भर से जॉब नहीं है आपका मान लीजिए, तो आपका सैलरी जीरो हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो जाएगा, समझ में आया? सर अगर जीरो हुआ तो, अगर आपका पूरा किसमें बिजनेस लॉस है, अरे सैलरी में रिटर्न फाइल खाली एक इनकम देख के नहीं होता है, आप जो रिटर्न फाइल करते हैं खाली सैलरी इनकम देख के नहीं करते, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज सब मिला के आपका ग्रॉस इनकम, अभी तो आपको बताया है कि अगर आपका ग्रॉस इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है, बेसिक लिमिट से, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, और अगर बेसिक लिमिट से कम है तो भी आप फाइल कर सकते हैं वॉलंटरी। अगर आपका ग्रॉस इनकम 250 से कम है, अगर आपका ग्रॉस इनकम क्या है 250 से, तो भी आप वॉलंटरी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप चाहे तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑब्लिगेशन है कि फाइल करना पड़ेगा, आप चाहे तो वॉलंटरी फाइल कर सकते हैं रिटर्न, समझे? तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, अगर आपका ग्रॉस इनकम अगर 250 से कम है तो, लेकिन आप चाहे तो फाइल कर सकते हैं, ठीक है? और लॉस के केस में क्या है कि रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप फाइल करेंगे तो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो इसमें देखिए पॉइंट नंबर ए पहले क्या है, देखिए दिस सेक्शन रिक्वायर्स, सेक्शन याद रखिएगा इसका 139(3), दिस सेक्शन रिक्वायर द एसेस टू फाइल रिटर्न ऑफ लॉस इन द सेम मैनर एज इन द रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर सेम है, रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर क्या है आपको बताइए? सेम प्रोसीजर है, जैसे 139(1) किए थे वैसे 139(3) करेंगे, दोनों का प्रोसेस क्या है सेम है। अंडर सेक्शन 80 एन एसएससी कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड अ सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट इनकम इन द सेम और प्रीवियस सबसिक्वेंट ईयर अनलेस ही हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ लॉस। अंडर सेक्शन 80 एसएससी क्या कर सकता बताइए? रिटर्न कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता लॉस को, अंडर सेक्शन 80। सर एक डाउट था सर, अंडर सेक्शन 139(1) जो भी आप पढ़ाए थे सर, उसमें अगर ग्रॉस इनकम अगर मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो सर वो मैंडेटरी थोड़ी है रिटर्न फाइल करना? नहीं फाइल नहीं करना है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो फाइल कर सकते हैं, वॉलंटरी है। ओके सर, ठीक है, आपको चाहे तो कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने से बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपका इनकम 200,000 है मान लीजिए, तो आप 200,000 अगर शो करते हैं टैक्स तो आपका लगेगा नहीं कुछ, बोले टैक्स लगेगा कुछ? अगर आपका ग्रॉस इनकम आ रहा है, बनाओ आ रहा है 10 मिनट में, सब नए बॉटल भर देते बन जाए, बोल देना हम आ जाएंगे, ठीक है? हेलो, ठीक है, अगर आपका ग्रॉस इनकम 250 से कम है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्या है ना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको बेनिफिट क्या होता है रिटर्न फाइल करने से, आपका एक हर साल अगर आप 200,000 शो करते हैं मान लीजिए इनकम, तो आपका एक वेल्थ क्रिएट हो जाता है बिजनेस उसका फाइल में, एक कैपिटल क्रिएट हो जाता है कैपिटल, समझे? तो कैपिटल क्या बाद में काम आता है आपका, जब आप कोई एसेट परचेज करेंगे मान लीजिए, अगर आप परचेज करेंगे एसेट तो उस समय एक बार में कोई इनकम शो नहीं करना पड़ेगा, आया बस हमें? सर और एक बार समझा, नहीं समझ में आपका, अभी अभी आप मान लीजिए अर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप 200,000 इनकम शो कर दिए मान लीजिए, 250,000 इनकम शो कर दिए, तो आपका टैक्स तो जीरो हो गया, टैक्स क्या आपको बताइए जीरो हुआ ना, लेकिन आपका बैलेंस शीट 50,000 इनकम आया कि नहीं आया बताइए? टोटल में ऐड हो गया 250,000। 10 साल तक अगर करते हैं मान लीजिए, तो कम से कम 20-25 लाख रुपए आपका कैपिटल बन जाएगा बैलेंस शीट में,
यस सर। आपके पास 20-25 लाख रुपए है तो कहीं से व्हाइट ब्लैक मनी आ जाता है, फॉर एग्जांपल कहीं से भी आता है आपके पास, लेकिन वो आपका तो आपके लिए तो व्हाइट मनी रहेगा क्योंकि आपका बैलेंस शीट में है 25 लाख पहले से। तो अगर कोई ऐसे परचेज करेंगे आप, हाउस प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, ज्वेलरी परचेज करेंगे, तो वो सब वो उस समय क्या है ना आपका एक तरह से वो व्हाइट मनी हो गया। अगर आपका ब्लैक मनी भी है रियल में, लेकिन आपका एक तरह से क्या हो गया, अगर बैलेंस शीट में आपका है 25 लाख तो आपके लिए वो क्या व्हाइट मनी है क्या नहीं है, उसका यूज कर सकते हैं बिना टैक्स दिए। उस समय अगर कोई ऐसे परचेज करेंगे तो आपको शो नहीं करना पड़ेगा कि इनकम कहाँ से आया, तो फ्यूचर में बेनिफिट होता है उसका। तो आप चाहे तो हर साल अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने खाली एक पैन कार्ड चाहिए आपको बस, और कुछ नहीं चाहिए। ओके देखिए 130, हाँ ध्यान दीजिए पॉइंट अंडर सेक्शन 80 एनएसएससी कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड सर्ट ऑफ इज लॉस अगेंस्ट इनकम इन द सेम और सब्सिक्वेंट ईयर अनलेस ये फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन कितना इसका 139(3). तो अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है या फ्यूचर में सेटअप करना है तो आप क्या करिए, रिटर्न फाइल करिए, नहीं तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। समझ गए? ए रिटर्न ऑफ लॉस हैज टू बी फाइल्ड बाय द एसएससी इन हिज ऑन इंटरेस्ट। तो आप अपने बेनिफिट के लिए करिए रिटर्न फाइल, और इसमें आपके पास एसेसिंग ऑफिसर का नोटिस नहीं आया तो ये एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते कि आपको एसेसिंग ऑफिसर से नोटिस रिटर्न फाइल करने का नहीं मिला। समझ गए? नॉन रिसीव ऑफ नोटिस फ्रॉम द एसेसिंग ऑफिसर रिक्वायरिंग हिम टू फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस कैन नॉट बी ए वैलिड एक्सक्यूज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस फॉर द नॉन रिसीप्ट नॉन फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न। ठीक है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो एसेसिंग ऑफिसर, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपके पास नोटिस नहीं आया तो आप फाइल नहीं किए, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अगर आपको रिटर्न फाइल करना है, अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कौन कौन सा लॉस ऐसा है जिसको आपको चाहिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? बिजनेस लॉस, कौन कौन सा लॉस देखिए, बिजनेस लॉस है और कैपिटल गेन में लॉस है और रिसोर्सेज में लॉस है, अर्निंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज। इसमें अगर लॉस है आपको, कौन कौन सा लॉस बताइए? बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन में लॉस आ रहा है, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म लॉस, बिजनेस लॉस, अर्निंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, इसमें अगर लॉस आ रहा है तो इस तीनों लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हाउएवर हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है, किसमें लॉस है बताइए, हाउस प्रॉपर्टी में या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है या फिर क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो इसके लिए लॉस, इसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका खाली एक ही इनकम है हाउस प्रॉपर्टी बस, अगर आपका सिर्फ एक इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस लॉस नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है, कोई कैपिटल लॉस नहीं है, रिसोर्स में लॉस नहीं है, अगर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, सिर्फ किसमें लॉस है, अगर हाउस प्रॉपर्टी में, और एक है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो ये आप बिना रिटर्न फाइल किए भी मैंडेटरी, बिना रिटर्न फाइल किए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप सेटअप कर सकते हैं फ्यूचर में। समझ गए? तो एडवांटेज क्या फाइलिंग रिटर्न का, कि लॉस को क्या कर सकते हैं आप, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इससे टैक्स लायबिलिटी क्या होगा फ्यूचर में आपका, कम होगा। तो इसीलिए रिटर्न, इसीलिए अगर लॉस भी अगर है तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। जैसे इस साल आपका बिजनेस में मान लीजिए बहुत ज्यादा लॉस हो गया कोरोना के कारण, तो अगले साल रिटर्न मत फाइल, अगले साल भी रिटर्न फाइल करिएगा तो आपको बेनिफिट क्या है, जो लॉस होगा आपको अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे आप। अब इसके बाद देखिए ड्यू डेट क्या है फाइलिंग करने का, ध्यान दीजिए डेट ऑफ फाइलिंग। एग्जांपल से समझाइए ना कैसे कैरी फॉरवर्ड को क्या फायदा होगा। अगर आपका लॉस हो रहा है, मान लो अभी एग्जांपल, हाँ मान लीजिए आपका लॉस है 2 लाख, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपका अगले साल आपका बिजनेस इनकम है, मान लीजिए अगर आपका बिजनेस इनकम है मान लीजिए 5 लाख है, ठीक है, और पहले से आपका लॉस है मान लीजिए 2,50,000 का, तो कितना हो गया इनकम बताइए आपका, 2,50,000 हो गया, और कोई इनकम नहीं है मान लीजिए, तो टैक्स इतना हो गया आपका, जीरो हो गया टैक्स, हुआ कि नहीं हुआ टैक्स जीरो। अगर ये बिजनेस लॉस, अगर ये लॉस नहीं होता आपका, पहले से कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, अगर आप लॉस को, अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो क्या होता, बोलिए फिर 2,50,000 सर टैक्स पे करना होता, टैक्स पेमेंट करना पड़ता नहीं करना पड़ता, बोलिए, हाँ करना पड़ता, लॉस लॉस था तो आपका सेटअप हो गया, तो फायदा हुआ कि नहीं आपको, हाँ हुआ,
तो लॉस भी एक फायदा आपके लिए, याद रखिए अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो, ठीक है, टैक्स बच जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्यू डेट क्या है फाइलिंग करने का रिटर्न का, तो इंडिविजुअल के लिए कितना है, देखिए 31 जुलाई इंडिविजुअल के लिए कितना है 31 जुलाई। और लेकिन सर जो एग्जांपल अभी दिए थे सर, लेकिन सर उसमें भी अगर 5 लाख पे भी अगर होता तो सर हम लोग तो वो रिबेट में तो माइनस हो ही जाता ना, रिबेट तो वो 5 लाख इनकम है ना, तो 5 लाख अगर आपका 5 लाख अगर इनकम है मान लीजिए आपका, फॉर एग्जांपल 7 लाख होता मान लीजिए यहाँ पे, तो अगर 6 लाख होता मान लीजिए तब तो रिबेट नहीं मिलता आपको। हाँ सर, हाँ अब रिबेट मिल रहा है आपको यहाँ पे, अभी आपको 6 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा और ऐसे ऐसे पड़ेगा आपको 350 भी देना पड़ेगा, ठीक है। यस यस। इसके बाद देखिए फाइलिंग और रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, जितना भी इंडिविजुअल जिसका भी ऑडिट नहीं हो रहा, ध्यान दीजिए, जिसका बिजनेस इनकम है और ऑडिट नहीं हो रहा, जिनका मतलब कंपलसरी ऑडिट में नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है अभी वो कंपलसरी ऑडिट के अंडर में नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए डेट कितना है 31 जुलाई, कितना मेरी डेट 31 जुलाई, और अगर मेरा बिजनेस का ऑडिट कंपलसरी में आ गया, वो कंपलसरी ऑडिट में आ गया, तो डेट क्या हो जाएगा फिर 30 सितंबर, क्योंकि ऑडिट में टाइम ज़्यादा लगता है, ऑडिट कराएंगे तो आपको पूरा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, समझ गए ना, तो डेट कितना हो जाएगा 30 सितंबर के पहले आपको ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा रिटर्न। कंपनी के लिए कितना, देखिए कंपनी के लिए एक ऑडिट कंपलसरी है तो उसके लिए कितना डेट है, कंपनी के लिए ऑडिट क्या है बताइए, तो जिसका ऑडिट हो रहा है, ध्यान दीजिए एकदम सिंपल लाइन में, जिसका ऑडिट हो रहा है, जिसका बिजनेस का ऑडिट हो रहा है उसके लिए 30 सितंबर है, और जिसका ऑडिट नहीं हो रहा है बिजनेस का उसके लिए कितना है 31 जुलाई, बस ये 2 पॉइंट याद रखिए, समझे, जिसका बिजनेस का ऑडिट कंपलसरी ऑडिट में आ रहा है उसके लिए 30 सितंबर है, क्योंकि उसको ऑडिट के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, बिजनेस अकाउंट पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट में भी टाइम लगता है, और जिसके लिए ऑडिट नहीं है कंपलसरी उसके लिए कितना है 31 जुलाई। बोले कोई डाउट इसमें, हेलो बोलो, तो ऑल इंडिविजुअल एसएससी हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, जो भी हो, जिसका अकाउंट्स का ऑडिट कंपलसरी नहीं है उसके लिए 31 जुलाई है, और जिसका अकाउंट्स का ऑडिट कंपलसरी है, कंपनी के लिए कंपलसरी है, उसका 30 सितंबर है, एंड इंडिविजुअल और अदर एंटिटीज हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, जिसका भी अकाउंट्स का ऑडिट कंपलसरी है चाहे वो कोई भी हो उसके लिए 30 सितंबर है। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, कोई अगर क्या है मान लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक समा सकता है, ठीक है, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप बिजनेस में अगर पार्टनरशिप फर्म का अगर ऑडिट हो रहा है, अगर पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा है तो जो उसका पार्टनर है उसके लिए भी डेट कितना हो जाएगा 30 सितंबर, ए वर्किंग पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म उसे अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, तो सबके लिए कितना हो जाएगा 30 सितंबर। बोलिए यहाँ तो बताओ किसी को क्या जाएगा ड्यू डेट, हेलो yes, बोलिए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद बिल रिलेटेड रिटर्न क्या होता है, देखिए ए पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेक्शन याद रखिएगा, कितना इसका बताइए 1394। बिल रिलेटेड रिटर्न क्या होता है, जैसे अगर आप बिलेटेड बर्थडे क्या होता है बताइए पहले, आप किसी को बोलते हैं ना हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, क्या होता है इसका मतलब, बर्थडे मतलब बाद में सर। हाँ हाँ वही बात यहाँ पे भी है, अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, जो ड्यू डेट आपको बताया गया है 21 जुलाई या 30 सितंबर, अगर इसके बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बिलेटेड रिटर्न, सेक्शन कितना है इसका 1394, समझे क्या बिलेटेड रिटर्न। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे, ड्यू डेट क्या बताया था वो अभी हम 31 जुलाई और 30 सितंबर जो आपका ड्यू डेट है, इसके बाद अगर फाइल करेंगे रिटर्न तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बिलेटेड, क्या बोलते हैं उसको, सेक्शन कितना है इसका 1394। लेकिन बिलेटेड में क्या बताया था आपको, फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, बिलेटेड अगर फाइल करेंगे आप तो 234A चार्जेबल हो जाएगा, सेक्शन 234A, और पेनल्टी भी था 234F, वो भी चार्जेबल हो जाएगा, याद आया जो पहले हम लोग पढ़े थे पेनल्टी और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चैप्टर में नहीं पढ़े थे हम लोग, यस सर, यस सर, 234A चार्जेबल हो जाएगा, 234F चार्जेबल हो जाएगा, पेनल्टी भी चार्ज हो जाएगा,
तो एनी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 139(1) और विद इन द टाइम अलाउड अंडर ए नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142(1) मे फर्निश द रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. तो अभी आपका जो असेसमेंट ईयर है ना, अभी आपका जो असेसमेंट ईयर है कौन सा है, 2021, तो इसका एंड कब हो रहा है, मतलब बताइए 31 मार्च 2021. तो 31 मार्च 2021 के पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, समझ गए, या फिर असेसमेंट कम्प्लीट होने के पहले और बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज. अगर आपका असेसमेंट कम्प्लीट हो गया, जैसे आपका ड्यू डेट है 31 जुलाई, आप रिटर्न फाइल नहीं किए और आपका असेसमेंट कौन आपको असेसमेंट कम्प्लीट करने का नोटिस आएगा पहले, ऐसे असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट नहीं करता कम्प्लीट कभी भी, समझ गए, नोटिस आया आपके पास 142(1). तो अगर नोटिस में टाइम दिया गया उसमें भी अगर आप नहीं किए तो आपका असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, कम्प्लीट कर देगा अगर मान लीजिए, तो उसके बाद आप फाइल नहीं कर सकते. अगर आपका असेसमेंट कम्प्लीट हो गया, असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया आपका, उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, मतलब विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज मतलब 31 मार्च 2021 के पहले करिए या असेसमेंट ऑर्डर पास होने के पहले करिए. अगर आपका असेसमेंट ऑर्डर जनवरी में पास हो गया मान लीजिए, अगर मान लीजिए असेसमेंट कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 2021, ठीक है, और ईयर एंड क्या बताइए आपका 31 मार्च, तो कब तक फाइल कर सकते हैं बताइए, अबिलिटेड बोलिए, 31 दिसंबर तक सर. नहीं नहीं, दिसंबर कहाँ होगा इसमें, दिसंबर तो है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी, सर 31 जनवरी के अंदर. आपको क्या बोले, देखिए डेट क्या था बताइए, बिफोर असेसमेंट कम्प्लीट होने के पहले, बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ असेसमेंट और बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, समझ गए. तो असेसमेंट अगर जैसे आपको रिटर्न फाइल करने का डेट 31 जुलाई था, तो उसके बाद रिटर्न आप फाइल नहीं किए, तो आपके पास नोटिस आया मान लो, नोटिस में आपको टाइम दिया गया फिर भी फाइल नहीं किए, तो आपका जो असेसमेंट ऑफिसर है वो आपको असेसिंग ऑफिसर है वो आपका असेसमेंट अगर मान लो कम्प्लीट कर दिया अपनी तरफ से, कब किया कम्प्लीट मान लो 31 जनवरी, तो उसके बाद फिर आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते. उसके बाद एक बार असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया तो उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो जो आपका डिमांड है फिर आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है, अपील कर सकते हैं आप. ओके, यहाँ तक. इसके बाद देखिए, दिस मीन्स यू कैन फाइल बी रिटर्न बाय मार्च 31, मतलब जो करंट ईयर आपका उसके एंड होने के पहले, और इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा 234A में, और आपका ये भी फाइल होगा, पेनल्टी भी चार्ज होगा इसमें अप टू 10,000, और बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज. अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक है तो आप उसको कैंसिल करके नया फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसका डेट भी कितना रहेगा, 31 मार्च 2021 के पहले, नेक्स्ट पॉइंट में है वो रिवाइज रिटर्न, मतलब समझ में आया. पहले बिलेटेड जब फाइल करेंगे आप, या अगर आप रेगुलर रिटर्न भी फाइल करते हैं मान लीजिए, आप जो अभी आप 139(1) में जो फाइल करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेगुलर रिटर्न, ठीक है, तो या 139(3) में फाइल कर रहे हैं लॉस रिटर्न, या कौन सा फाइल कर रहे हैं 139(4) फाइल कर रहे हैं मान लीजिए, तो अगर इसमें कोई मिस्टेक लग रहा है तो आप उसको कैंसिल करके नया फाइल कर सकते हैं रिटर्न. तो जब नया रिटर्न सबमिट करेंगे तो पुराना रिटर्न क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा फिर. अगर आप नया रिटर्न सबमिट करेंगे तो पुराना क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. एन इंडिविजुअल हु हैव टू पे ए फीस ऑफ ₹10,000, ये हो गया. इसके बाद एक रिवाइज रिटर्न सेक्शन कितना उसका बताइए, 139(5). एन एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम आइदर टू रिवाइज द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(5) ओरिजिनली फाइल बाय हिम टू मेक सच अमेंडमेंट एडिशन और चेंजेस एज मे बी फाउंड नेसेसरी बाय हिम. तो अगर आपको रिटर्न फाइल करते हैं ओरिजिनल, तो अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, कुछ करेक्शन करना है, कुछ एडिशन करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप नया रिटर्न फाइल कर सकते हैं. सच रिवाइज रिटर्न में भी फाइल बाय द एसएससी एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, मतलब सेम टाइम इसका भी असेसमेंट ईयर एंड होने के पहले
या एसेसमेंट ऑर्डर पास होने के पहले, व्हिचएवर इज, दोनों का टाइमिंग सेम है याद रखिएगा, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 1395 रिटर्न ऑफ एसेसमेंट जो कौन सा 2021, इसका लास्ट डेट क्या रिटर्न फाइल करने का, 31 मार्च 2021, ठीक है। और एसेसमेंट अगर पास हो गया आपका तो फिर आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट रिवाइज योर इनकम रिटर्न इफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी डिड द एसेसमेंट ऑफ द रिटर्न। इफ यू मिस एनी डिडक्शन और इनकम इन रिटर्न, यू कैन रिवाइज योर रिटर्न। इफ सच इन्फॉर्मेशन कम टू योर नॉलेज आफ्टर इनकम टैक्स रिटर्न, यू कैन रिवाइज योर रिटर्न। रिवाइज योर रिटर्न अंडर सेक्शन 135 इज अलाउड ओनली इफ इज ओमिशन वाज अनइंटेंशनल। मतलब अगर आपसे बाय मिस्टेक कुछ हो गया, आप जानबूझ के कोई मिस्टेक नहीं किए हैं, अनइंटेंशनल है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट आप फ्रॉड करने के लिए नहीं ले सकते, और ये ओनली टू ऑमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट एंड नॉट कंसीलमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब कोई ऑमिशन हो गया या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया तो उसको आप सही करने के लिए रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिवाइज करेंगे रिटर्न, तो जो पुराना रिटर्न था, जो पुराना था वो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर आप रिटर्न रिवाइज करते हैं, जैसे आप कॉपी, जैसे एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, मान लीजिए अब कॉपी रिचेक में देते हैं, अब रिचेक में जो भी मार्क्स आएगा तो पुराना वाला मार्क्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं कि नया ना रिवाइज करेंगे, आप रिव्यू करेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे और कम मार्क्स आएगा तो रिजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप नया रिटर्न फाइल करेंगे तो पुराना वाला क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन कितना, इसका बताइए 139(9). डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, जैसे अगर आप रिटर्न फाइल किए और उसमें लग रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, आप जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया मान लीजिए आप, ठीक है, या इनकम टैक्स ऑफिसर को लगा कि आपका जो रिटर्न है उसमें कोई मिस्टेक है, तो आपके पास नोटिस आएगा 139(9) का, और आपको एक टाइम दिया जाएगा 15 दिन का, और उसके अंदर आपसे जो भी डिमांड किया जाएगा डॉक्यूमेंट वो सबमिट करना पड़ेगा आपको, समझ में आया। डिफेक्टिव रिटर्न नॉर्मली क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना था आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला जाएगा आपको, ठीक है। तो कौन कौन सा देखो, इफ यू फेल टू फाइल यू रिटर्न इन द करेक्ट फॉर्मेट, मतलब एक तो हो गया कि फॉर्मेट गलत हो गया, या जो मैंडेटरी फील्ड था मान लीजिए कुछ फील्ड अगर देखिएगा उसमें मैंडेटरी है, स्टार मार्क क्या रहेगा, अगर वो आप सबमिट नहीं किए मैंडेटरी फील्ड, या जो स्टेटमेंट आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का था वो सो नहीं किए, या टैक्स का प्रूफ सबमिट नहीं किए, या बिजनेस का अगर ऑडिट हुआ है तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा आपको, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। अगर ये सब आप नहीं करेंगे तो एसेसिंग ऑफिसर आपके रिटर्न को क्या कर सकता है, डिफेक्टिव बोल सकता है, तो फिर आपसे वो क्या करेगा, नोटिस देगा आपको, नोटिस देगा कौन सा, ये सब सबमिट करने के लिए, और फिर भी अगर सबमिट नहीं करेंगे आप तो आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रिटर्न। इन अदर वर्ड्स इट विल बी एज इफ यू हैव नेवर फाइल्ड योर रिटर्न फॉर द ईयर। इस केस में क्या होगा, जो आपका एग्जेम्पशन है, डिडक्शन है, लॉस है, सब लैप्स हो जाएगा आपका। फिर अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे आप तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे आप, एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, पेनल्टी भी चार्ज हो जाएगा आपके ऊपर, लॉस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप। उसके बाद देखिए कौन कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, मतलब ITR का जो फॉर्म है ना, इनकम टैक्स का फॉर्मेट अलग अलग होता है, जैसे इंडिविजुअल के लिए ITR 1 है, ये किसके लिए है, जिसका सैलरी इनकम है, एक हाउस है जिसके पास, इंटरेस्ट इनकम है, और जिसका इनकम 50 लाख से कम है, जिसका इनकम 50 लाख से, तो उसके लिए ITR 1 है। जिसका सैलरी इनकम है एक हाउस से ज़्यादा है, अगर मान लीजिए 2 हाउस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, लॉटरी इनकम है, तो उसके लिए ITR 2 है, समझे। सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम है, अगर कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, तो ITR 3 है। अब बिजनेस का ऑडिट अगर कंपलसरी है तो ITR 4 है। और भी फॉर्म है, ये चार इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए। मतलब अगर आपका बिजनेस इनकम का ऑडिट, अगर बिजनेस का ऑडिट हो रहा है तो ITR 4 करना पड़ेगा, अगर बिजनेस का ऑडिट नहीं हो रहा है तो ITR 3 करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है, सैलरी इनकम है सिर्फ, और हाउस, अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस है तो ITR 2 करना पड़ेगा,
ये आपका फॉर्म नंबर याद रखिएगा, ठीक है सर। जिसका एक तो कंपनी है उसका कौन सा फॉर्म नंबर होता है उसके कंपनी देख आप लोगों को खाली इंडिविजुअल एचओ का पढ़ना है। तो अगर बिजनेस इनकम आपका है, अगर आपका क्या है बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 4 है आपके लिए। अगर आपका ऑडिट कंपलसरी है तो, और ऑडिट कंपलसरी नहीं है तो आईटीआर 3 है। आपका जो फॉर्म है खाली किसके लिए पढ़ना है आपको, कंपनी के लिए नहीं पढ़ना। कंपनी कौन सा फॉर्म करेगा वो नहीं पढ़ना आपको, खाली इंडिविजुअल का पढ़ना है, एचओ का पढ़ना है, बस फॉर्म का पढ़ना है आपको। समझ गए? और बहुत सारा फॉर्म है इसके अलावा भी, समझ गए? किसके लिए? इंडिविजुअल एचओ के लिए। कंपनी के लिए भी हमको देखना पड़ेगा क्या है। उसके बाद देखिए साइन कौन करेगा, इंडिविजुअल रिटर्न पे साइन कौन करेगा, इंडिविजुअल में कौन करेगा, इंडिविजुअल खुद करेगा। अगर आउट ऑफ इंडिया है तो उसका जो ऑथराइज पर्सन है वो करेगा। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो जो भी उसका गार्जियन है लोकल का, जो उसका गार्जियन उसके बिहाफ में वो करेगा, ठीक है। और अगर वो किसी रीजन से अगर वो नहीं साइन कर पाएगा तो जो भी उसका ऑथराइज पर्सन है वो करेगा। इंडिविजुअल में कौन करेगा बताइए, एचपीएफ में कौन करेगा, कर्ता ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली। कर्ता मतलब क्या हो गया, हेड ऑफ द फैमिली। अगर वो आउट ऑफ इंडिया है, मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया से बाहर है या मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, तो जो भी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। कंपनी में कौन करेगा बताइए, डायरेक्टर करेगा। और डायरेक्टर अगर डायरेक्टर अनअवेलेबल है तो एमडी करेगा, अगर एमडी अनअवेलेबल है तो एनी अदर डायरेक्टर। कंपनी में कौन करेगा, जो मैनेजिंग पार्टनर है वो करेगा, अगर वो नहीं है तो एनी अदर पार्टनर, ठीक है। इसके बाद ये पैन नंबर क्या है, पैन नंबर क्या होता है, अकाउंट नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। इज ए मीन ऑफ आइडेंटिफाई वेरियस टैक्स पेयर इन द कंपनी। ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यूनिक नंबर होता है। एक पैन कार्ड का एक ही नंबर होता है, वो पैन कार्ड का नंबर किसी और को नहीं दिया जाता है, वो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। इसमें अल्फा न्यूमरिक होता है, मतलब नंबर्स भी होते हैं लेटर्स भी होते हैं। और ये किसको दिया जाता है नॉर्मली, जिसको टैक्स पेमेंट करना है। और आप वारंटी भी ले सकते हैं, अगर आप टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है अभी तो भी आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो यूनिक नंबर दिया जाता है आपको एवरी टैक्स पेइंग एंटिटी, टैक्स पेइंग एंटिटी कंपनी हो, एचयूएफ हो, फर्म, सबको दिया जाता है जो भी टैक्स पेमेंट कर रहा है। थ्रू दिस मेथड ऑल टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर ए पर्सन रिकॉर्डेड अगेंस्ट अ सिंगल पैन विच एक्ट एज द प्राइमरी की फॉर स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन होता है ना आपका, आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहाँ से पता चलता है, आपका पैन नंबर से। आप कुछ ज्वेलरी परचेज करेंगे या कोई गोल्ड, या अगर मान लीजिए कोई एसेट परचेज करेंगे, कार परचेज करेंगे, तो हर जगह आपसे क्या मांगेगा, पैन नंबर। बैंक में डिपॉजिट करेंगे ज्यादा अमाउंट तो वहां पे भी आपसे पैन नंबर मांगेगा। तो इससे क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, समझ गए। तो वहां से वो वेरीफाई करता है, क्रॉस वेरीफाई। तो हु हैज टू ऑब्टेन पैन, किसको ऑब्टेन करना है पैन बताइए। अगर आपका ग्रॉस इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका ग्रॉस इनकम बेसिक लिमिट से, अभी नहीं बताते आपको हम, अगर आपका ग्रॉस इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, पैन नंबर चाहिए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, या जिसका भी बिजनेस है या सेल्स है, जिसका टर्नओवर है, जिसका सेल्स क्या है 5 लाख से ज्यादा है, जिसका सेल क्या है 5 लाख से। अगर आपका कोई बिजनेस है और एनुअल सेल, एक साल का सेल 5 लाख से ज्यादा है, उसके लिए मैंडेटरी है पैन नंबर। कोई भी इनकम अगर जहाँ टीडीएस कट रहा है, जहाँ पे जैसे आपका लॉटरी लग गया मान लीजिए, तो लॉटरी लग रहा है तो आपको टीडीएस में टीडीएस काट के पैसा मिलेगा। तो टीडीएस को अगर आपको क्लेम करना, रिफंड चाहिए टीडीएस का, तो आपको पैन नंबर चाहिए उसके लिए। ए पर्सन नॉट कवरिंग इन एनी ऑफ द अबव कैन वॉलंटियर अप्लाई फॉर पैन। आप वॉलंटियर भी अप्लाई कर सकते हैं पैन नंबर। तो कहाँ का पैन नंबर देना पड़ता है बताइए, पैन नीड टू बी रिकॉर्डेड बाइंग डायरेक्ट, टैक्स पेमेंट करते समय चाहिए, इनकम टैक्स पेमेंट करते समय चाहिए, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे जिसका वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है उसके लिए चाहिए, टू व्हीलर छोड़ के कोई भी परचेज करेंगे 3 व्हीलर 4 व्हीलर उसके लिए चाहिए, होटल का बिल पेमेंट करेंगे अगर, और होटल का बिल कितना है 25,000 से ज्यादा है तो उसके लिए चाहिए, ट्रेवलिंग अगर कर रहे हैं आप, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं और जो बिल है 25,000 से ज्यादा है उसके लिए चाहिए, बैंक डिपॉजिट अगर कर रहे हैं 50,000 से ज्यादा है, शेयर परचेज कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं आप, ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं 5 लाख से ज्यादा, तो सबके लिए क्या चाहिए आपको, पैन नंबर चाहिए।
ठीक है सर, एक डाउट है सर। बोलिए सर, बैंक में जैसे हम लोग के पास पहले से ही पैन कार्ड दिया रहता है, फिर वो 50,000 ऊपर से डिपॉजिट करने से पैन कार्ड क्यों मांगता है? बैंक में जो पैन कार्ड आपका दिया रहता है, लेकिन अगर एक कोई ट्रांजेक्शन अगर जब करते हैं तो क्या होता है ना, 50,000 से ज्यादा रहेगा तो बार बार आपको पैन नंबर मांगता है। इसलिए मांगता है क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए वापस से, और कोई अलग बात नहीं इसमें, करेंट ट्रांजेक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि बैंक मांगेगा, हम लोग जैसे कैश मेनली कैश डिपोजिट में मांगता है, चेक डिपोजिट में नहीं मांगता है। और ये रिकॉर्ड के लिए, नहीं भी मांगेंगे तो बैंक को वहां से कॉपी करना पड़ेगा, वो अपने बेनिफिट के लिए मांग रहा है आपसे, समझे? Yes, sir. उसको रिकॉर्ड के लिए मांगता है और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए, आप लोग 11 नंबर सॉल्व किया हुआ है, 12 नंबर सॉल्व किया हुआ है, 13, 14, ये चार क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको पढ़िए। हम आप लोग को 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, हाँ आप इसको सॉल्व करिए हमारे 10 मिनट में लंच करके, ठीक है? और इसके बाद एक चैप्टर और करेंगे हम लोग, 2 नंबर। हेलो ब्रो, देखिए आप लोग बोले थे क्वेश्चन नंबर पढ़िए, 11 नंबर से लेके 11, 12, 13, 14 पढ़िए आप लोग। हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग के पास? यस सर, साइलेंट हो गया है। यस सर, देखिए 11 नंबर से मैं क्या बोला, देखिए बिजनेस लॉस है आपका, कौन सा लॉस है? बिजनेस लॉस है, और कौन सा लॉस है? लॉन्ग टर्म लॉस है, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर खाली हाउसपोर्टी लॉस होता तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर ओनली हाउसपोर्टी का लॉस होता तो कोई दिक्कत नहीं था। बिजनेस लॉस है, और कौन सा लॉस है बताइए? लॉन्ग टर्म लॉस है, अमाउंट से मतलब नहीं, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और ड्यू डेट क्या है बताइए? बिजनेस लॉस है तो ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई, अगर ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है तो, और अगर ऑडिट रिक्वायर्ड है तो 30 सितंबर। समझ गए आंसर? देखिए, इंडिविजुअल एसएससी is not compulsory required to furnish return of loss, however the following losses to be cannot be carried forward if the return of loss is not submitted within the time allowed: business loss hai, capital loss hai, aur resources, ye teenon loss aap carry forward nahi kar payenge, theek hai na? aur due date kya hai? 31 july, agar audit mandatory nahi hai to, audit compulsory nahi hai to, aur audit compulsory hai to 30 september। koi doubt hai to boliye, steps answer likhna padega aapko, section yaad rakhiyega, 139 loss of return kitna hai, 139(3) hai, और टाइम अलाउड का कितना, 131 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 देखिए, हाँ, मिस्टर रहमान सैलरी पर्सन है और उसका इनकम है 4 लाख है, और ड्यू डेट क्या होगा उसके लिए? 30 नवंबर होगा या 31 जुलाई होगा बोलिए? बिजनेस तो है नहीं तो ऑडिट तो हो नहीं सकता, खाली सैलरी एम्प्लॉयड है, तो बोलिए क्या होगा उसके लिए डेट? 31 जुलाई होगा या 30 सितंबर होगा बोलिए? हेलो सर, 31 जुलाई 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 सर 31 जुलाई हो जाएगा 2020, ठीक है ना? सेकंड देखिए, मिस्टर आर सैलरी एम्प्लॉयड है टाटा मोटर में, इनकम 8 लाख है, रिटर्न फाइल कर पाया तो बिलेटेड फाइल कर रहा है, तो बिलेटेड का डेट क्या होगा बताइए? 31 मार्च 2022 होगा या 2021 होगा? एसेसमेंट ये कौन सा है? 2021, तो वो लास्ट डेट क्या है? बिलेटेड का लास्ट डेट क्या है फाइल करने का बोलिए? 31 मार्च 2022 होगा या 2021 होगा बोलिए? अभी तो बताए थे आप लोग का हम 21 होगा, बिलेटेड का लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2021, उसके बाद बिलेटेड फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, मिस्टर ए एक बिलेटेड फाइल किया, उसके बाद वो रिटर्न को रिवाइज करना चाहता है, रिटर्न को रिवाइज कर सकता है बोलिए? हेलो सर, नहीं सर, कैसे नहीं कर सकता? बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकता है, बोले थे ना कर सकता है। हाँ सर, कर सकता है जब तक असेसमेंट ऑफिसर ये ना करे। हाँ तो वो नहीं दिया, छोड़िए ना, 31 मार्च दिया 21, सही है गलत ये बताइए? 31 मार्च 2021 दिया है, सही है गलत है? रिवाइज करने का सेम टाइम है, बिलेटेड फाइल करने का जो टाइम है और रिवाइज करने का जो टाइम है, दोनों का टाइम सेम तो है, तो कितना है? 31 मार्च 2021, ठीक है? बोलो कोई डाउट इसमें? उसके बाद देखिए, मैसर्स एबीसी कोलकाता बेस्ड ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप फर्म,
इज रिक्वायर्ड टू गेट सी अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर, अगर आपका कोई पार्टनर से बिजनेस है जिसका ऑडिट कंपलसरी है तो जो पार्टनर है उसके लिए भी क्या हो जाएगा फिर 31st, तो फर्म के लिए डेट क्या होगा बताइए, अगर फर्म का ऑडिट कंपलसरी है तो फर्म का ड्यूट क्या होगा 30 सितंबर होगा, ठीक है ना। और अगर पार्टनर है, मान लीजिए वर्किंग पार्टनर है फर्म का, और फर्म का ऑडिट कंपलसरी है तो उसके लिए भी कितना होगा फिर 30 सितंबर। बस इस टाइप का सम आता है एग्जाम में कभी कभी आया हुआ है, ठीक है। इसका देखिए आपको बताना है कि रिटर्न फाइल करना चाहिए, करना है कि नहीं करना है बताइए। पॉइंट नंबर वन, मिस्टर सी एज 52, ग्रॉस इनकम 3 लाख है, टोटल इनकम 2 लाख है, लेकिन ग्रॉस इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है, ग्रॉस इनकम बेसिक लिमिट से, तो इसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है नहीं है बोलिए। प्रॉक्सी फर्म है तो फर्म के लिए मैंडेटरी है चाहे इनकम कितना भी हो, फर्म और कंपनी के लिए क्या था बताइए मैंडेटरी था। श्रीमती आर एज कितना दिया बताइए 62 और इनकम कितना इसका 280, तो मतलब ग्रॉस इनकम कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ग्रॉस इनकम 280 है तो 3 लाख से कम है, नहीं है 3 लाख से कम है तो कंपलसरी नहीं है। आर लिमिटेड कंपनी है, आर लिमिटेड क्या होगी कंपनी है, तो कंपनी के लिए रिटर्न फाइल करना क्या है आपका बताइए मैंडेटरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, समझ गए। कंपनी के लिए फाइल करना क्या है मैंडेटरी है, तो 4 में क्या हो जाएगा यस मैंडेटरी हो जाएगा उसके लिए। और आई सिंह एज कितना है 50 और इसका इनकम 240 है बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब ग्रॉस इनकम कितना है इसका बताइए 240 है और एक लॉस है उसका 1 लाख, तो कंपलसरी नहीं है इसके लिए। लेकिन अगर जो लॉस है ना आपका ये 1 लाख का, इसको अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, नहीं ये हाँ बिजनेस लॉस है, अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मिस्टर एस त्रिपाठी, ये बिजनेस लॉस की जगह कोई और लॉस होता तो आपको 2 लॉस आपको यहाँ बताया ना, देखिए कौन कौन सा लॉस है, एक आपका है बिजनेस लॉस, एक आपका क्या है, एक है बिजनेस लॉस है प्रॉफिट गेन, बिजनेस लॉस है, एक है कैपिटल गेन और एक है रिसोर्सेज अर्निंग मैंने, इसमें अगर लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड करना, तो इसके लिए कंपलसरी है मैंडेटरी, मतलब रिटर्न को अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉस को आप, तो लॉस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी के लिए चाहिए नहीं, अगर लॉस फ्रॉम क्या आपका हाउस प्रॉपर्टी है, ये लॉस फ्रॉम क्या बताइए अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, तो इसके लिए आप मैंडेटरी नहीं है। सर उसका मतलब सर अगर वो चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं भी करेंगे अच्छा कुणाल तुम्हारा एडमिशन हो गया है कुणाल? यस सर हो गया इसका एडमिशन तो हुआ है। शाश्वत आपका हुआ एडमिशन आपका कुणाल का तो हमको पता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, डिफेक्टिव हो गया, पैन नंबर हो गया, देखिए और क्या उसके बाद रिटर्न ऑफ लॉस हो गया, इनकम हो गया, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है देखिए, एस त्रिपाठी व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो सैलरी इनकम है, कौन सा इनकम बताइए इसका, सैलरी इनकम है तो ड्यू डेट क्या हो जाएगा बताइए इसका बोलिए 31 जुलाई 20। और कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा रिटर्न इनकम के लिए, फॉर्म 1 था ना, फॉर्म 1 था, कौन था बताइए यहाँ पे ITR 1 अगर सैलरी इनकम है, ITR 1 या 2
दो इसमें आइडियल वन और एक टू है, लेकिन टू में क्या था देखिए, अगर आपके पास हाउस है यहाँ पे नहीं है ना, और इनकम के लिए कुछ बोला नहीं, आइडियल वन लिख दीजिए बस। अब 50 लाख से ज्यादा है कि नहीं पता, खाली लिखा हुआ है 50 लाख से कम है तो आईटीआर वन, 50 लाख से ज्यादा होगा तो आईटीआर टू, सैलरी इनकम अगर है आपका, या कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप आईटीआर वन या आईटीआर टू भर सकते हैं आप, डिपेंड ऑन द इनकम। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो कौन सा सेक्शन चार्ज होगा बताइए, इंटरेस्ट चार्ज होगा बताइए, क्या इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, 234A और 234F। एक आपका बी लेटर फाइल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं सबमिट टाइम तो आप क्या कर सकते हैं, बी लेटर फाइल कर सकते हैं 234, ठीक है, और उसके लिए फिर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। सेक्शन कितना था, 234A, ये सब आपको बता दीजिएगा कितना इंटरेस्ट था, 1% पर मंथ। सब बता चुके हैं आपको, पढ़ा चुके हैं आपको, इसीलिए पहले पढ़ा दीजिए चैप्टर, बाद दिक्कत नहीं आपको। अंडर विच सिचुएशन बिलेटरी फाइल करने का डेट क्या है, सब बता चुके हैं आपको, ये पूरा हो चुका है, रिवाइज रिटर्न क्या है, बिलेटरी क्या है, इसका आंसर सब देख लीजिएगा आप लोग। तो अभी आप लोग का क्लास है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा, आप लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ के आइएगा सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, मतलब इनकम आपको खुद से रिटर्न फाइल करना पड़ता है, कितना इनकम है शो करना पड़ता है, तो कल करेंगे हम लोग। समरी असेसमेंट क्या है, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। स्क्रूटनी असेसमेंट क्या है और बेस्ट डिसीजन क्या है, 4 पॉइंट इसमें है, कल हम लोग ये चैप्टर करेंगे और एक टीडीएस भी कर लेंगे, कल टीडीएस भी कल हो जाएगा, ठीक है, ये दो चैप्टर आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है ना, इसमें प्रैक्टिकल सम भी है, इससे प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। लास्ट ईयर क्या क्या आया था देखिए, पिछले साल क्या क्या आया था, लास्ट ईयर आया था एक व्हाट इज पैन आया था, वेदर पैन मैंडेटरी, किसके लिए मैंडेटरी है, डीमैट के लिए, कार के लिए, स्टेट द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ठीक है, बाय इंडिविजुअल एसएससी, और एक क्या आया था, रिवाइज रिटर्न आया था, एक क्या आया था, बिलिटी रिटर्न रिवाइज हो सकता नहीं हो सकता, वो आया था थ्योरी, देखो सब थ्योरी आपका मैट में है, और ये तो प्रैक्टिकल, ये अभी हम लोग करेंगे कल, सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये कल करेंगे हम लोग, कैसे निकालना बताएंगे आपको हम, जैसे नॉर्मल टैक्स नहीं निकालते हैं, ऐसा नहीं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकालने बोला, कुछ नया बोला है, मतलब नॉर्मल टैक्स जैसे निकालते हैं, आप ट्राई करिएगा बन जाएगा, जैसे टैक्स निकालते हैं, इनकम आपको दिया हुआ है, एडवांस टैक्स माइनस करिए, टीडीएस माइनस करिए, इंटरेस्ट ऐड करिए, क्या करिए बताइए, आपको टैक्स निकाल लीजिए पहले, एडवांस टैक्स माइनस कर दीजिए और टीडीएस माइनस कर दीजिए और इंटरेस्ट क्या करिए सब ऐड कर दीजिए, बस इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा ये भी। और हम लोग कल करेंगे TDS करेंगे, TDS, ये इसमें भी सर एक चीज पूछना था सर, सर वो जो था रिटर्न ऑफ लॉस में, सर अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हुआ तो उसके लिए अगर हम लोग फाइल नहीं भी करेंगे तो भी वो सेट ऑफ हो सकता है ना, हाँ 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 ठीक है, ओके सर, यस सर। और TDS हम लोग कल करेंगे और ये करेंगे, कल दो चैप्टर करेंगे हम लोग, TDS और असेसमेंट ऑफ रिटर्न, ठीक है, TDS निकालना सिखाएंगे आपको कल, और टैक्स निकालना तो आता ही आपको, ये नया कुछ नहीं है आपका, इनकम दिया हुआ टैक्स निकाल लीजिए, रिबेट ये एडवांस टैक्स माइनस कर दीजिए और टैक्स आपको दिया हुआ डायरेक्ट, ये तो यही सॉल्व हो गया, टैक्स आपको दिया हुआ 247,300, एडवांस टैक्स माइनस करिए 30,200 और 12,400 यही पे हो जाएगा आपका, एडवांस टैक्स माइनस करिए, टीडीएस माइनस करिए और इंटरेस्ट क्या करिए, तीनों इंटरेस्ट क्या करिए ऐड करिए, बस टैक्स निकल जाएगा, तो सिंपल क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, और ये टीडीएस निकालना कल से आएंगे आपको, ठीक है, तो कल टैक्स क्लास है सेम टाइम, और अभी आप लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर मैथ करेंगे हम लोग आज, लिमिट्स जिनका नहीं हुआ है, ठीक है।